फ्रेंड्स आईडी इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोगों का जो वोटर आईडी कार्ड रहता है, वोटर आईडी कार्ड में मिस्टेक्स रहता है, जैसे कि नेम पे मिस्टेक होना या फादर नेम में मिस्टेक होना, कभी कभी तो फोटो भी अलग से आ जाता है, फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मतलब इस टाइप से बहुत सारे मिस्टेक्स रहता है। अगर आपका भी वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी मिस्टेक है तो आप आसानी से घर बैठे आपका जो भी मिस्टेक है उसका करेक्शन करवा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको सही से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा, जिस प्रोसेस को आप करके घर बैठे ही आपका वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करवा सकते हो, जो कि बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को फास्ट टू लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को करने के लिए आपको इस वेबसाइट में आना होगा। तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें आपको देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो फॉर्म्स है, इस फॉर्म्स ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, नहीं तो वोटर्स पोर्टल बेटा का जो ऑप्शन है इसमें जाके भी आप कर सकते हो। तो इसी से ही करते हैं, तो इसमें क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको जो मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। और अगर आपने अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन में जाके पहले आपका अकाउंट बना लीजिए, फिर जाके आप लॉगिन कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ, तो इसमें मेरा मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड है और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, करेक्शन इन वोटर आईडी, शिफ्ट टू अदर प्लेस, रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी, डिलीशन ऑफ वोटर आईडी। तो फ्रेंड्स हम लोग करेंगे करेक्शन। तो फ्रेंड्स इधर जो ऑप्शन है करेक्शन इन वोटर आईडी, तो इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। अगर आपने पहले मतलब एक बार अप्लाई किया था तो आपको इधर बोला जा रहा है कि आप पहले उसका स्टेटस को चेक करके देखिए, और इसमें रेफरेंस नंबर भी दिया जाएगा, तो इसमें क्लिक करके आप स्टेटस को चेक कर सकते हो। और अगर आपका जो एप्लीकेशन है अगर रिजेक्ट हो गया है तो आप फिर से एप्लीकेशन कर सकते हो। तो इसमें भी आपको क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें जब आप क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है आगे बढ़ेगा। तो इसमें क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपकी इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, इसमें आपका नाम वगैरह शो हो जाएगा और नीचे आपको रहेगा लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस टाइप से इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपका सब कुछ डिटेल्स दिखेगा कि आपका नेम क्या है, आपका फादर नेम, आपका एज, आपका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर, आपका मतलब सब कुछ इधर शो होता है। तो आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जब आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप कौन सा डिटेल्स को चेंज करना चाहते हो, नेम को चेंज करना चाहते हो या आपका डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना चाहते हो, जेंडर को चेंज करना चाहते हो, या फोटोग्राफ यानी आपका जो फोटो है वोटर आईडी कार्ड में उसको चेंज करना चाहते हो, या फादर नेम करना चाहते हो, या एड्रेस करना चाहते हो, तो इस हिसाब से आपका सभी है आप देख सकते हो। तो उसमें आपको टिक करना है। और एक बात को आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको बहुत सारा मिलेगा डिटेल चेंज करने का, लेकिन आप वन टाइम में मैक्सिमम 3 एंट्रीज को ही मतलब करेक्शन कर सकते हो, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। देखिए मैंने 3 से ज़्यादा सेलेक्ट करने के लिए कोशिश किया, इधर आ रहा है कि मैक्सिमम 3 एंट्री फॉर करेक्शन। तो आपको एक बार में 3 ही मतलब एंट्रीज को करेक्शन करना है, फिर आपको 7 कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स इस टाइप से शो हो जाएगा, जिसमें आपका जो करेक्ट डिटेल्स आपको इधर टाइप करना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने दिया था नेम सेंस, तो इसमें करेक्ट नेम टाइप करना होगा जो इंग्लिश में, और आपका रीजनल लैंग्वेज में, आपका रीजनल लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, हिंदी, असमिस, कनाडा, मलयालम, जो भी हो उस लैंग्वेज में आपको इधर टाइप करना होगा। इसमें आपको कीवर्ड वगैरह मिल जाता है, कोई दिक्कत होता नहीं है। फिर जाके आपका जो मतलब डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करना होगा। तो नेम सेंस के लिए आप आधार कार्ड को भी अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा और एक्सेप्ट भी हो जाता है। तो इस हिसाब से आप फाइल सुस फाइल में जाके आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को आप इधर अपलोड कर दिए। तो करने के बाद फिर है जेंडर, तो जेंडर पे आपको जस्ट चूज़ करना है कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है, और इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देना नहीं होता है। फिर इधर देखिए फोटोग्राफ मैंने चूज़ किया था, तो इधर आपको फोटोग्राफ अपडेट मतलब अपलोड करना है, जो भी फोटोग्राफ आप वोटर आईडी कार्ड में चाहते हो, तो इसी सब से आ जाता है। तो पहले से आपको फ़ोटो बना के रखना है, फिर आपको इधर अपलोड करके इधर से क्रॉप कर देना है। आप एग्जैक्ट मतलब इसका साइज रखेंगे तो आपका सही से फ़ोटो हो जाएगा। तो मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, इसलिए एक फ़ोटो को मैंने चूज़ करके आपको दिखा दिया कि इस टाइप से आप इधर कर सकते हो, क्रॉप वगैरह करके आपका जितना पोर्शन चाहिए वो आप ले सकते हो। तो पासपोर्ट फ़ोटो का मतलब साइज से कीजिए तो बहुत ही
मतलब सही से इधर फिट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आता है, फिर जाके आपको 7 कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू करने के बाद इस टाइप से आ जाएगा, तो इसमें डेट ऑलरेडी रहेगा। फिर आपका नेम, यानी देखिए नेम ऑफ द एप्लीकेंट, तो आपका नाम दीजिए, फिर प्लेस, आप जिस भी प्लेस से कर रहे हो उसको देके आप 7 कंटिन्यू कर दीजिए। तो कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स इस टाइप से शो हो जाएगा फॉर्म। तो इस फॉर्म को आप एक बार चेक कर लीजिए वन बाय वन सभी डिटेल्स। तो चेक करने के बाद अगर सही लगे फिर जाके आप सबमिट कर दीजिए। अगर कुछ भी करेक्शन करना है तो एडिट फॉर्म का जो ऑप्शन है इसमें जाके आप इस फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो, फिर जाके आपको सबमिट कर देना। तो सबमिट करने के बाद आपको सबमिट हो जाता है फॉर्म, फिर आपको एक रेफरेंस आईडी मिलता है और उस रेफरेंस आईडी से ही आप फर्दर चेक करके देख सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन की स्टेटस क्या है। तो फ्रेंड्स यही है प्रोसेस, सिंपल सा प्रोसेस। तो आप करके आपका वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।